हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिना और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेजी व्यंजन में, जहां हम और आप मिलकर बनाएंगे 100% टेस्टी और 100% प्योर वेज रेसिपीज। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर भुर्जी, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल है, थोड़ी बहुत ग्रेवी के साथ। चलो मिलकर बनाते हैं। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो आज हमें पनीर भुर्जी बनाने के लिए चाहिए। डिटेल में इंग्रेडिएंट की लिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए रेसिपी में लिंक को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपको एक ब्लॉग की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें डिटेल इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ पूरी प्रोसेस भी इंग्लिश में बताया गया है। अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे और उसमें हम डालेंगे सबसे पहले जीरा। जीरा जब हमारा अच्छे से स्प्लटर हो जाएगा, यानी कि अच्छे से कुक हो जाएगा, तब हम उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। बारीक कटे हुआ प्याज को हमें कुछ सेकेंड्स के लिए सॉटे करना है हमारे गरम तेल में, ताकि जो प्याज का कच्चा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए और हमारा प्याज जो है, जो काफ़ी क्रंची होता है, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और जब हमारा प्याज अच्छे से सॉटे होने लगेगा, यानी कि थोड़ा बहुत जब हमारा प्याज थोड़ा कुक हो जाएगा, तब हम उसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट। यह मेरा होममेड पेस्ट है, आप स्टोर बॉट भी ला सकते हैं या फिर जिंजर गार्लिक ग्रीन चिलीज को क्रश करके भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसे भी सॉटे करेंगे जब तक कि सारा का सारा जो हमने सामान ऐड किया है उसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए, तब तक हम इसे कुक करेंगे। जब ये अच्छे से कुक हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, यानी कि बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। अब हम शिमला मिर्च को भी थोड़ी तरह इसी तरह तेल में भूनेंगे, ताकि शिमला मिर्च भी जो है उसका क्रंच ख़त्म हो जाए वो, और वो सॉफ्ट हो जाए, यानी कि शिमला मिर्च भी जो है हमारी अच्छे से कुक हो जाए। अब इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, ताकि जो हमारा प्याज और शिमला मिर्च और बाकी जो हमने जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट डाला है वो अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें बारीक कटे हुए टमाटर। आप चाहें तो, अगर आपको टमाटर का टेस्ट ज़्यादा नहीं पसंद, यानी कि आपको वो चंक्स नहीं पसंद सब्जी में, तो आप इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या फिर इसका प्यूरी भी डाल सकते हैं। पर मुझे मेरी पनीर भुर्जी में पर्सनली टमाटर के भी थोड़ा सा क्रंच चाहिए होता है, इसलिए मैं उसको बारीक कटा हुआ ही डालती हूँ। अब हम इसमें फिर थोड़ा सा नमक डालेंगे, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाए। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए कवर करके और लो फ्लेम पे कुक करेंगे, ताकि जो हमारा मिक्सचर है, यानी कि जितनी भी सब्जी है, वो अच्छे से कुक हो जाए। देखिए, जब हम लोग थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाएंगे तो हमारी जितनी भी सब्जी है वो अच्छे से कुक हो चुकी है और उसने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है, यानी कि जितना भी प्याज लहसुन टमाटर वगैरह हमने डाला है वो सब अच्छे से कुक हो चुका है और मैश हो रहा है। अब हम इसके से अपने सारे मसाला डालने शुरू करेंगे। देखिए, हमने बताया जैसे कि हमारी सब्जी ने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। ध्यान रखिएगा, हमने नमक ऑलरेडी पहले डाला हुआ है, तो हम नमक अपने हिसाब से डालेंगे। मैंने थोड़ा नमक ऑलरेडी पहले ज़्यादा डाल दिया था, इसलिए अब मैं पनीर डालने के बाद ही डिसाइड करूँगी मुझे कितना नमक डालना है। अब हम इसे फिर से भूनना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ताकि जो हमारे मसाले हमने ऐड किए हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाए। अब हम पनीर भुर्जी का थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे किचन किंग मसाला। हाँ जी, मैं किचन किंग मसाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास किचन किंग मसाला ना हो तो आप नॉर्मल गरम मसाला जो हमारा घर पे होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है इस सब्जी का। मैं इसमें पर्सनली किचन किंग मसाला डालना प्रेफर करती हूँ। अब हम इसे फिर से थोड़ी देर के लिए ढक के और फिर कुक करेंगे, क्योंकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। और देखिए, अब हमारे मसालों ने भी अच्छे से तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब अब हमारे मसाले भी अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे हमारा क्रश किया हुआ पनीर। आप चाहें तो पनीर को ग्रेट भी कर सकते हैं और चाहें तो इसे इसी तरह से क्रम्बल करके डाल सकते हैं। क्रम्बल किया हुआ पनीर पनीर भुर्जी में ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम इसमें सारा पनीर जो हमने क्रम्बल करके रखा है वो ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे से जो हमारा प्याज टमाटर शिमला मिर्च का मसाला है उसके साथ मिक्स कर लेंगे, ताकि पनीर में भी पूरा फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब अगर आप चाहें तो आप ड्राई पनीर भुर्जी खाना पसंद करते हैं तो इस स्टेज पे आप इसे रोक सकते हैं 5-2 मिनट कुक करने के बाद। पर आज मैंने आपको बताया शुरू में कि हम इसे थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाएंगे,
तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि मुझे थोड़ी ग्रेवी वाली पनीर भुर्जी पसंद है। तो मैं इसमें स्लाइटली थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके और फिर थोड़ी देर के लिए कवर करके कुक कर लूँगी ताकि जो पानी है वो सारे मसालों के साथ और पनीर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा और पानी डाल दिया और अब इसे अच्छे से मिक्स करके मैं इसे थोड़ी देर कवर करके कुक कर लूँगी ताकि सारे मसाले हैं वो पनीर में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। थोड़ी देर कुक करके जब हम इसमें अब इसमें हम अपना नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था मैं पनीर डालने के बाद अपना नमक ऐड करूँगी, तो अब हमने इसमें थोड़ा और नमक डाल दिया और अब हम इसे कुक करके और कवर करके पकाएंगे। अब देखिए थोड़ी देर बाद हमारा जो पूरी सब्जी है उसने स्लाइड स्लाइड तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, मतलब हमारी यमी यमी पनीर भुर्जी कुक होके तैयार है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बनाने में भी उतनी आसान और खाने के लिए तो बहुत टेस्टी है। अब इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ग्रीन कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया डालेंगे और बस हमारी सब्जी तैयार है। अब हम इसे चाहें तो गर्मा गर्म पराठे के साथ, नान के साथ या फिर आप अपने नॉर्मल तवा रोटी यानी कि फुलका रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। और रेसिपी के लिए नीचे दिए गए लिंक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।